हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिक्स योर प्रॉब्लम यूट्यूब चैनल। मेरे पास एक लैपटॉप है लेनो, और मैं इसको एक विंडोज इंस्टॉल करने वाला हूँ, पर बदकिस्मती से जो बूट मेनू है वो ऑप्शन नहीं आता जब मैं रिस्टार्ट करता हूँ, और इसके साथ फंक्शन विद F12 प्रेस करता हूँ तो वह काम नहीं करता। तो इसमें एक दो प्रॉब्लम्स है जो हम इसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। तो गाइस फॉलो मी, अब मैं लैपटॉप को रिस्टार्ट करता हूँ और साथ ही फंक्शन प्लस F12 को प्रेस करता हूँ, क्या होता है? अच्छा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसका एक बटन है, सीक्रेट बटन है जो मोस्ट यूजर्स को मालूम नहीं। अच्छा, जैसे आपको ये आप देख रहे हैं ये जो सर्कल वाला बटन है, लेकिन इसके साथ अपने लैपटॉप को ऑन करना है। जब आपका लैपटॉप ऑन हो तो फिर इस बटन को एक सेकंड के लिए दबाना है। अच्छा, तो मैं दबा देता हूँ। अच्छा, मैं इसको एक सेकंड के लिए दबाता हूँ। अच्छा, मैंने बटन दबा दिया है और अगेन लैपटॉप को रिस्टार्ट करें। अब मैं फंक्शन प्लस F12 को दबाने वाला हूँ। अच्छा, आप देख रहे हमारा जो बूट मेनू है वो ऑप्शन जो है ऑन हो गया है, उस बटन की वजह से जो सीक्रेट बटन है वो एक्चुअली डिसेबल था, तो हमने ऑन किया है और ऑन होते ही बूट मेनू ऑप्शन यानी इनेबल हो गया है। अब ये रहा सेकंड प्रॉब्लम, और हम इसको भी फिक्स करेंगे। अच्छा, अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करें। अपने लैपटॉप को शट डाउन करें। और दोबारा रिस्टार्ट करें, और रिस्टार्ट के साथ F2 दबाइए, मतलब फंक्शन प्लस F2 को दबाना है। जब ये सेटिंग आए तो नाउ यहाँ पे आइए बूट ऑप्शन पे, और कीबोर्ड की मदद से एंटर पे प्रेस करें। जैसे मैंने एंटर किया, इसको UEFI पे नहीं ऑन होना चाहिए, इसको लीगेसी सपोर्ट पे चूज करना है। अच्छा, इसको हम चूज करते हैं, ये हो गया। और अब एग्जिट को आइए, और यहाँ सेट सेविंग चेंज, इस पे इंटर दबाना है, या शॉर्टकट जो फंक्शन प्लस F10 है इसको शॉर्टकट दबाना है, लेकिन मैं इसको एंटर की मदद से दबाऊंगा, और इसको यस करना है। अच्छा, ये अब हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल हो रहा है। कुछ देर बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये रहा फर्स्ट स्टेप, और हमारा मसला जो इशू था वो फिक्स हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।